नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। संसद में चल रहे घटनाक्रम और पीएम मोदी द्वारा अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि किसी भी सदन के अध्यक्ष को यह अच्छा नहीं लगता है कि उन्हें अपने सदन के सदस्यों को निलंबित करना पड़े, लेकिन सदन की गरिमा और संसदीय पदों की तोड़फोड़ की जा रही है, जिसकी वजह से यह निलंबन किया गया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम 50% से अधिक वोट जीतने को लेकर अस्वस्थ हैं। वैसे भी उनका गठबंधन टिकने वाला नहीं है, उनके पास कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है और निश्चित रूप से कोई रोड मैप नहीं है। हमने अयोध्या पहुँचने वाले भक्तों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और यह 5 जनवरी से चालू हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं यूपी के मंत्री जयवीर सिंह। देखिए, ये तो हमारे खुद विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्ष जी हों या सभापति राज्यसभा हों, दोनों ने ये कहा है। और वैसे भी आम तौर पे ही माना जाता है कि चाहे सभापति हों या लोकसभा के अध्यक्ष हों, ये अपने अपने सदन के अभिभावक की भूमिका अदा करते हैं और कोई उनको अच्छा नहीं लगता जब अपने सांसदों को निलंबित करना पड़े, बाहर निकालने का रास्ता दिखाना पड़े। ये कभी भी उन्हें अपने दिल से नहीं अच्छा लगता, लेकिन परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई हैं कि लगातार संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, लगातार कार्रवाई में एक आक्रामकता के साथ विघ्न बाधाएं डालने का लगातार प्रयास करा जा रहा है, जिसके कारण इस तरह के दुखद निर्णय, कठोरता के निर्णय लेने का भरे मन से लेना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी को खुद ही उन्होंने स्वीकार किया है और मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने का सबको हक है, वो कहना चाहिए। लेकिन इस तरह की असंवैधानिकृत एक अमर्यादित चरित्र का प्रदर्शन ये संसद के या किसी भी संवैधानिक प्रांगण में नहीं होना चाहिए। एक और सवाल है मायावती ने कुछ लगाया और कहा कि जो दल विपक्ष के अभी गठबंधन में शामिल नहीं उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना गलत है, भविष्य में कौन क्या करता है ये अलग की चीज़ है, लेकिन अभी टिप्पणी करना सही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो इनसे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इकट्ठे लड़े हैं, अलग अलग लड़े हैं, लेकिन हमारी तैयारी है कि 50% से ज़्यादा वोट अकेले की दम पर जीतेंगे। पूरे देश की जनता का अगाध विश्वास, श्रद्धा भाव आदरणीय मोदी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों पर है। देश जिस तरीके से तेज गति से आगे बढ़ा है, विश्व में ग्लोबल लीडर बनने की ओर है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, 12वीं अर्थव्यवस्था से हम लोग 5वीं अर्थव्यवस्था पर आने का काम किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक पात्र व्यक्ति के घर तक दस्तक देने का काम किए हैं, हम लोग विकास की योजनाओं को धरातल पर पारदर्शिता से उतारने का काम किया है। उसी से लोगों को लगता है कि आज देश को जरूरत है आदरणीय मोदी जी की, और उन्हीं के नेतृत्व में तीसरी बार हैट्रिक बनाने का काम देश की जनता करने जा रही है। अब यह रही बात विपक्षियों की, वो इकट्ठा लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, वो तय करें कौन किसको वहाँ गाली दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन इतना तय है कि ये केवल मोदी जी के हराने के नाम पर इकट्ठे तो हो सकते हैं, लेकिन लंबा ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, क्योंकि न तो इनके कोई सिद्धांत हैं, न आदर्श हैं, न मूल्य हैं, न कोई एक रोड मैप है। तो इसका बेमेल समझौते इस तरह के लंबे चलने का काम नहीं करते हैं। और सवाल है, आज अभी अयोध्या में एयरपोर्ट का भी अभी इनॉग्रेशन होना, उन सबसे पहले आज अभी मुख्यमंत्री का खुद का दौरा है, मुख्यमंत्री अयोध्या जाएंगे, तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका मुख्यमंत्री जायजा लेंगे और अभी क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या? देखिए, मैंने पहले भी कहा था प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के समय से पूर्व, चूँकि लाखों लोगों के प्रतिदिन की आने की संभावनाओं की दृष्टि से उनके लिए बहुत सारे प्रयास, चाहे वो रेलवे यातायात की व्यवस्था हो, लाइन एडिशन लाइन बनाने की व्यवस्था हो, विशेष ट्रेनें चलाने की व्यवस्था हो, कल भी वहाँ GM रेलवे ने आकर के स्थल निरीक्षण किया है, चाहे पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए, उनकी आवभगत के लिए स्थायी और अस्थायी रूप से ठहराने की व्यवस्था करनी हो, जो अयोध्या अकेले में मुझे लगता है कि असंभव सी दिख रही है, तो इसलिए आसपास के जनपदों लखनऊ तक के लिए उन व्यवस्थाओं को सुसज्जित करने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ हवाई अड्डे को भी 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के कमल कमलों से शुरुआत उसकी होनी है और 5 जनवरी से रेगुलर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।